गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लाइन को पढ़ेंगे, उसके बाद रे और फिर लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए इन तीनों टॉपिक को पढ़ने से पहले भी हम सबसे पहले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अगर मैं अपने पेन से यानी मार्कर से कुछ इस तरीके से डॉट लगा दूं, ठीक है, तो ये पॉइंट कहलाता है। पॉइंट कहलाता है स्टूडेंट्स। ना तो पॉइंट की कोई लेंथ होती है और ना ही कोई ब्रेथ होती है, यानी डायमेंशन लेस होता है। पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए इसे पॉइंट कहते हैं। और किसी चीज को इंगित करने के लिए, किस चीज को इंडिकेट करने के लिए हम पॉइंट को लगाते हैं। अब अगर हम इसी तरीके से पॉइंट्स को जोड़ते हुए चले जाएं, कैसे, एक पॉइंट फिर दूसरा तीसरा, बहुत सारे पॉइंट इसी तरीके से जोड़ते हुए चले जाएं और इनको मिला दें, कुछ इस तरह मिला दें स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे की तरफ मिला दें इनको, तो इस तरह पॉइंट से मिलकर के, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के लाइन बनती है। और स्टूडेंट्स लाइन की ये प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो हम लाइन के दोनों सिरों को एरो से डोट करते हैं, ठीक है, इस तरह एक एरो इधर लगा देंगे और एक एरो इधर लगा देंगे। ये एरो ये बताते हैं कि लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, यानी लाइन को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, लाइन की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती। और यही लाइन की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि लाइन को आप इधर कितना ही बढ़ा सकते हैं और इधर कितना ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब लाइन को किसी भी स्मॉल लेटर यानी एल से डिनोट कर सकते हैं, या फिर स्मॉल लेटर एम से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी भी स्मॉल लेटर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इसमें दो पॉइंट लें, एक पॉइंट यहां पर लें और एक पॉइंट यहां पर लें, तो लाइन को हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए इसे हम ए मान लें और इसे हम बी मान लें, तो लाइन को आप इस तरह डिनोट करेंगे ए बी, और उसके ऊपर कुछ इस तरह एक छोटी सी लाइन बना देंगे जिसमें दोनों तरफ एरो होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाइन को कुछ इस तरीके से आप डिनोट करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि ये इसे कितना ही बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हमने लाइन को पढ़ लिया, उसके बाद हम रे को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगर मैं इस लाइन को बीच में से यहां से तोड़ दूं तो देखिए क्या मिलेगा हमको, कुछ इस तरह है ना, तीर के जैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तीर के जैसा कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो इसका ये जो पॉइंट होगा जहां से ये निकलती है, इसे हम फिक्स पॉइंट मानते हैं। अगर हम इसे ए नाम दें और कहीं इस सिरे को हम बी नाम दें, ठीक है, तो ये कहलाती है रे, जिसमें सिर्फ एक तरफ एरो होता है। ये एक तरफ एरो क्या इंडिकेट करता है, एक तरफ का एरो सिर्फ ये बताता है कि इसका एक पॉइंट फिक्स है और ये दूसरी तरफ कितनी भी बढ़ सकती है, आप इसे इधर की तरफ कितना ही बढ़ा सकते हैं। रामायण में देखा होगा आपने, राम जी का तीर है ना, कुछ इसी तरीके से होता है। तो इसका एक तो होता है ओरिजिन पॉइंट और दूसरा पॉइंट जिधर की तरफ एरो लग रहा है उसे आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा और ये फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसे आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। इसे किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, कुछ इस तरह, सिर्फ एक तरफ एरो लगाकर, क्योंकि इसमें एक फिक्स पॉइंट है दूसरा फिक्स पॉइंट नहीं है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से एक तरफ एरो लगा करके इसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। अगर हम लाइन में से कुछ इस तरीके से एक फिक्स लेंथ, लाइन में से एक फिक्स लेंथ काट करके यहां पर रख लें, कैसे, कुछ इस तरह, ठीक है, इस तरह, तो हमने इसमें से एक फिक्स लेंथ, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कोई भी लेंथ हमने यहां से काट करके यहां पर रख ली, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ए बी, और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तो रही लाइन, ये रे, और ये रही लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टी एक बार फिर से समझ लीजिए कि लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती, इसे आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम कभी भी लाइन की लेंथ के बारे में डिस्कस नहीं करते। अब हम बात करेंगे रे, रे में एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, उसे आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी भी लेंथ फिक्स नहीं होती, हाँ बस एक पॉइंट फिक्स होता है, ये पॉइंट फिक्स होगा जहां से चली, ठीक है। दूसरा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में इसकी दोनों ही पॉइंट फिक्स होते हैं और इसकी लेंथ भी फिक्स होती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट की लेंथ भी स्टूडेंट फिक्स होती है। तो ये तीनों पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स पर आज हमने डिस्कस किया। आशा करता हूं तीनों ही पॉइंट आपके समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।